जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 आ गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद गाइए भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, गाइए गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे गोविंद भज मन श्री राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा
हरे हरे ओ हरे रामा भाव से गाइए हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, जय श्री राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, राजा राम राजा राम, पतित पावन सीताराम, राजा राम राजा राम, पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपद शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, जय प्रभुपा प्रभुपा प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे, वेदेशांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः, वंशी विभूषितकरा
नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुका अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेत देव गोविंद दामो दर माधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम विष्णुपादाय बोलिए कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे पाश्चात देश तारिणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्त वृंद इस सभा को सुशोभित करने वाले सनातन मंदिर एवं इस्कॉन मंदिर के वरिष्ठ भक्तगण दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम एवं पंचम दिवस में
पुनः एक बार थाईलैंड इस्कॉन फुकेट के इस व्यासपीठ से आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछित कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय पीताम्बर धारी सुदर्शन चक्र धारी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की महिमामृत श्रीमद् भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। इस दुनिया में सबसे उत्तम सबसे मंगल कार्य यदि किसी को माना गया है तो वो है भगवान की कथा, क्योंकि इस जगत में मंगल वो है, मंगल समझते हैं, इस दुनिया में मंगल कार्य वो है जो सबके लिए अच्छा हो, है ना। पुलिस चोर को पकड़ते हैं तो वो सबके लिए अच्छा नहीं होता, बाकी के लिए अच्छा होगा, चोर की तो पिटाई होगी, तो मतलब इसमें सबका भला नहीं हुआ ना। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो पता नहीं उसमें ऑपरेशन जिसका हुआ है उसका भला हुआ या डॉक्टर का भला हुआ, क्योंकि पैसा इसे मिलता है। और भी समाज में संसार में अनेकों प्रकार के कार्य हैं, उससे दो पांच लोगों का दो पांच हजार का फायदा हो सकता है, लेकिन सबका फायदा हो ऐसा तो इस दुनिया में केवल एक ही कार्य है, वो है भगवत कथा का श्रवण। एक छत के नीचे बैठकर ईश्वर कथा ईश्वर चर्चा की जाए, यही जीवन का सबसे बड़ा मंगलमय है। गोस्वामी जी कहते हैं जग मंगल जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुती धन धर्म धाम के। गोस्वामी जी कहते हैं जग मंगल है, भगवान राम और कृष्ण के गुण रूप लीला राम और कृष्ण की कथा जगत को मंगल करने वाली है, इसमें सबका मंगल होता है, छोटे बड़े सभी जीवों का, जो लोग यहां पर आए उनका भी मंगल हुआ, आप लोग अपने सास ससुर को छोड़कर आएंगे उनका भी बेचारे घर पर होंगे मंगल होगा, ये बला कुछ देर के लिए तो टली है। या किसी के सास ससुर यहां आए होंगे तो उनके बहू बेटे घर पर फेस्टिवल मना रहे होंगे कि चलो कुछ समय तो हमको आफत छोटी है। किसी की पत्नी आई है तो पति मंगल पति का मंगल हो रहा है, किसी के पति आए हैं तो पत्नी जो खाना है खा लेगी, जो टीवी में देखना है देख लेगी, उनका मंगल, यहां तो सबका मंगल हो रहा है। जो आ चुके हैं कथा सुनते हैं तो जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की वृद्धि होती है, कथा सुनने वाले का भी मंगल। जिस ऑटो कार में बैठकर आए हो उसको पैसे देकर ही आए होंगे उसका भी मंगल है ना। आप अपनी कार में बैठकर आए हो तो पेट्रोल खर्च करके आए होंगे तो पेट्रोल कंपनी वाले का भी मंगल, सबका मंगल। आज बेटा फटा हुआ नहीं पहना ना, ठीक है, कल आप नहीं आए सिलाने गए थे। अच्छा, मैं मेरे हर एक श्रोताओं का ध्यान रखता हूँ, कौन फटा हुआ पहनता है कौन सिला हुआ, कौन आता कौन नहीं आता, तो यहां सबका मंगल है। भक्तों आप जिस कार में बैठकर आए या चलकर आए आपके पांव के नीचे कोई जीव जंतु मर गए होंगे, क्योंकि आप कथा सुनने के लिए आए हो और कथा सुनने सुनते समय आपके चरणों के नीचे जीव जंतु मरे वो भी वैकुंठ को प्राप्त हो गए, उन जीव जंतु का भी मंगल। किसी को रात को नींद नहीं आती होगी कथा में आ गए आकर आराम से सो गए उनका भी मंगल, यहां तो मंगल ही मंगल है।
अगली बार श्याम प्रभु को कहूंगा थोड़े बेड बिस्तर बिछा दीजिएगा पीछे, जो खाली एरिया है ना, ज्यादा नींद आए तो आप सीधे सो सकते हैं, उनका भी मंगल। घर पे पति पत्नी का झगड़ा हुआ है, भोजन नहीं मिला, 2 घंटे सहन कर लीजिए, फिर नीचे प्रसाद लेकर भी मंगल मंगल। 3 दिन तक मुन्ना भाई ने बैटिंग किया, 2 दिन से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रसाद खिला रहे हैं, अद्भुत। यहां तो बहुत बहुत सुंदर। तो भगवत कथा एक ऐसी वस्तु है जिसे सभी जीवों का मंगल होता है। आप लोग कथा में आ रहे थे, आपका जिसने दर्शन किया उनका भी मंगल, क्योंकि लिखा है कि जो व्यक्ति भगवत कथा सुनता है, भगवत कथा सुनने वाला व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि यत पाद सलिलम यथा, जैसे माँ गंगा पवित्र है। गंगा अपने आप में पवित्र है, लेकिन गंगा का कोई दर्शन करे, टच करे, स्पर्श करे तो वो भी पवित्र हो जाता है। कथा सुनने वाला स्वयं तो पवित्र है ही, लेकिन जिनको देखता है, जिनका स्पर्श होता है, जिनसे चर्चा होती है, वो भी पवित्र हो जाता है। सो जग मंगल गण गुण ग्राम के राम के, राम और कृष्ण के गुण रूप लीला, उनकी कथा उनकी महिमा पूरे जगत को मंगल करने वाली है। 2 चीज सबका मंगल करती हैं, एक तो हरि नाम और दूसरा है भगवान की कथा। ये 2 को छोड़कर अन्य जितने भी कार्य है उसमें कुछ कुछ का मंगल, कुछ का अमंगल, लेकिन भगवत नाम और भगवत कथा जग मंगल सबका मंगल करती है। किसी के मन में प्रश्न हुआ कि कथा सुनने से मिलता क्या है, तो गोस्वामी जी कहते हैं वैसे तो कथा सुनने से सब कुछ मिलता है, परंतु कथा सुनने का यदि क्रम से यदि देखा जाए तो 4 मुख्य वस्तु मिलती हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। भगवत कथा जो सुनता है, बोलता है, या भगवत कथा में जो भी अपना सहयोग देता है, भागवत कथा में किसी भी प्रकार से की हुई मदद, हेल्प, ये बहुत बड़ा फल प्रदान करती है। यद्यपि भक्त इन फल के लिए ये सब सेवा नहीं करते, कथा नहीं सुनते, लेकिन फिर भी वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है। तो यदि कोई राम और कृष्ण की कथा सुनता है तो दानी मुकुति धन धर्म धाम के, सबसे पहले भजन भगवत कथा सुनने वाला मुक्त हो जाता है। जैसे मैंने कहा था, मुक्त मरने के बाद ही नहीं होता, जीते जी मुक्ति मिलती है। मुक्ति का अर्थ है बंधनों से मुक्ति, हमारे घर गृहस्थी के बंधन से मुक्ति, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य से मुक्ति, दुखों से मुक्ति। अद्भुत, मेरा प्रिय पात्र गरुड़ है भगवान। आपने कभी सोचा भगवान विष्णु ने गरुड़ को क्यों अपना पार्षद बनाया, अपना वाहन बनाया? शिव जी का बैल, गणेश का चूहा है, दुर्गा अंबे का सिंह, लेकिन विष्णु का गरुड़ क्यों? गरुड़ की गरिमा अद्भुत है, पक्षी राज माना जाता है, सभी पक्षियों का बादशाह है गरुड़, सबसे ऊंचा उड़ता है गरुड़। आप भी यदि सबसे ऊंचे उड़ना चाहते हो ना, करबी में पहुंच जाइएगा, गरुड़ की कथा सुनेंगे। एक बार भगवान रामचंद्र को मेघनाद ने सर्पों के बंधन से बांध दिया, राम परेशान, और उस समय नारद ने गरुड़ को कहा, गरुड़ राम को बंधन में बांधा गया, गरुड़ तुरंत अपनी उड़ान भरा, भगवान रामचंद्र के पास ईश्वर को बंधन में बांधा, गरुड़ ने भगवान को बंधन से मुक्त किया। यद्यपि भगवान भक्तों को बंधन से मुक्त करते हैं, लेकिन भगवान को बंधन से मुक्त करने वाला कोई आदमी हुआ तो वो है गरुड़।
सो भगवान की कथा परम मंगलमय है, और यदि हम भगवत कथा सुनते हैं तो दानी मुक्ति, सबसे पहले मुक्ति मिलती है। मुक्ति माने दुखों से मुक्ति। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी, हमारी ये गौड़ीय धारा और विशेष हमारी ये इस्कॉन संस्था रूप गोस्वामी के सिद्धांतों पर चलती है, इसलिए हम लोग रूपानुग कहे जाते हैं। रूप गोस्वामी ने कहा, जब भी कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है, कंप्लीट नहीं, कोई हरिनाम लेना शुरू करे या कोई कथा सुनना शुरू करे, तो सबसे पहले क्या होता है, है? जैसे ही आपने कथा सुनना शुरू किया तो सबसे पहले क्या होगा, क्लेशाग्नि, सबसे पहले दुखों से मुक्ति होगी। अभी आप 5 दिन में 1 दिन आए और जैसे ही कथा में आए, तो चलो 1 दिन आपने कथा सुनी फिर भी दुखों से मुक्त हुए कम समय के लिए, बार बार सुनते रहेंगे तो बहुत ज्यादा समय के लिए दुख से मुक्त हो जाए। बताइए अभी किसको दुख है, किसी को दुख है? एयर कंडीशन वातानुकूलित में बैठे हैं, आराम से बिंदास बैठे हैं, और 1.5-2 घंटे के बाद प्रसाद खाएंगे, खा पी कर चले जाएंगे, आनंद ही आनंद है। और यदि जगते रहे तो कथा सुनने में कितना आनंद है, परम रस अमृत के समान। तो क्लेशाग्नि भगवत कथा सुनने का प्रथम लाभ, दुखों से मुक्ति। दुख विस्मृत हो जाते हैं, दुख चले जाते हैं, मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, मुक्ति। ओके, भगवत कथा सुनने का दूसरा फल गोस्वामी जी कहते हैं, दानी मुकुति धन, दूसरा लाभ होगा धन। खैर हम लोग तो धन के लिए नहीं बोलते न सुनते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट यदि कोई कथा सुनेगा तो वह धनवान हो जाएगा। फिर भी मैं कहूं कि धनवान बनने के लिए कथा नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कथा का अपना प्रभाव है, वस्तु शक्ति का अपना प्रभाव है, कि चाहे जानकर या अनजाने में अग्नि में हाथ चला गया तो वह जलाएगा। जाने या अनजाने में यदि भगवान की कथा सुन ली तो दुखों से मुक्ति मिलेगी, और दूसरा धन की प्राप्ति होगी। कुछ लोग सोचते हैं, जो लोग यहां नहीं आते, कि कथा में चले जाएंगे तो दुकान कौन संभालेगा, कथा में चले जाएंगे तो यदि कस्टमर निकल गया, ये हो गया वो हो गया, आप चिंता मत करो, रामायणकार शास्त्रकार विश्वास देते हैं, कथा सुनोगे तो धन से मुक्त नहीं होगे, अवश्य मिलेगा। हम भी जब हमारा बिजनेस व्यापार छोड़ रहे थे तो हमें भी कई लोगों ने कहा कि ये सब क्यों छोड़ रहे हो, भूखे मरोगे। हमारे गुरु महाराज का किस्सा सुनाऊं, हमारे गुरु महाराज जब छोटे थे तो स्कूल में न जाकर किसी साधु के पास बैठकर भागवत सुनते थे, पढ़ते थे। और एक दिन गुरु महाराज के पिताजी को पता चला, पिताजी ने बहुत डांटा कि यदि इस प्रकार से तू भागवत ही पढ़ता रहेगा तो याद रखना एक दिन भूखे मरेगा। 50 साल के बाद गुरुदेव अपना अनुभव सुना रहे थे कि जब मैं 10 साल का था तो मेरे पिताजी ने कहा ऐसे ही भागवत पढ़ता रहा तो भूखे मरेगा, लेकिन 50 साल के बाद आज मैं जब भागवत पढ़ रहा हूँ, गा रहा हूँ, तो मेरा अनुभव यह है कि भागवत पढ़कर सुनकर गाकर मैं भूखे नहीं मर रहा हूँ, मैं खा खा के मर रहा हूँ। लोग अपने घर पर बुलाते हैं और बुला बुला कर इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं कि भूखे कौन मर रहा है, यहाँ तो खा खा के मर रहे हैं हम लोग। सो जो भगवत कथा सुनते हैं दुखों से मुक्ति होती है, दूसरा धन की प्राप्ति होती है, और भगवत कथा सुनने वाला तीसरा धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म माने कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कथा सुनने वाला जो ध्यान से और योग्य सोर्स से जो कथा सुनता है ना, वो अपने जीवन में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे परफेक्ट निभा सकता है। लेकिन दो चीज ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान से कथा सुने
और सही सोर्स से सुने, क्योंकि आजकल संसार में अपनी बुद्धि से चलने वाले क्या कहेंगे, वो लविंगिया होता ना, पोपटिया बहुत प्रकट हो गए हैं। न कोई ज्ञान है न बुद्धि है, और प्रचार करने निकल जाते हैं और अपनी भी बर्बादी, सुनने वालों की भी बर्बादी। नहीं होता है, कुछ लोग बस दो तीन महीने से भक्ति में आए हैं, प्रचार शुरू किए हैं, और शुरू से ही प्रवचन का प्रथम श्लोक होता है सर्वधर्मान परित्यज्य, पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, सब कुछ छोड़कर बस भजन करो। ये नहीं, सही सोर्स से यदि कथा सुनोगे, सही तरीके से सुनोगे, तो भगवान की कथा जीवन में जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने कर्तव्य है, वे सारे कर्तव्य को निभाती है। जैसे पिछले दिनों में हमने सुना किस प्रकार से एक पति को अपना कर्तव्य निभाना, एक लीडर के लिए क्या कर्तव्य होता है, पत्नी के लिए क्या धर्म होता है, ये कथा सुनने से समझ में आता है और इसे अच्छे से हम जीवन में फॉलो कर सकते हैं। जब कथा ही नहीं सुनते तो हमारे धर्म के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। माँ बाप का क्या धर्म है, एक भाई का क्या धर्म है, एक एक पत्नी का, पति का, स्वामी का, नौकर का, ये सारे धर्म से अवगत कराती है भगवान की कथा। सो कथा सुनने से मुक्ति मिलती है, धन मिलता है, धर्म मिलता है, और अंत में यदि ये कथा सुनते रहो तो मुक्ति धन धर्म धाम के, और अंत में भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। भगवान की कथा भगवान का धाम प्रदान कर देती है, भगवान का धाम प्राप्त करा देती है। हम लोग जिस धाम में, जिस लोक में, जिस स्थान पर रह रहे हैं ना, ये हमारी टेम्पररी अवस्था है, ये हमारी क्षणिक अवस्था है, ये हमारा कोई वास्तविक डेस्टिनेशन नहीं है, और इसीलिए इस संसार में हम लोग कंफर्टेबल नहीं है। वैसे मन को मना लिए हैं लेकिन कंफर्टेबल कोई नहीं है। पैदल चलने वाला सोचता है कि साइकिल मिल जाए तो अच्छा है, साइकिल वाला सोचता है मोटरसाइकिल मिल जाए अच्छा है, मोटरसाइकिल वाले सोचते हैं कि मोटर कार मिल जाए, कार वाले सोचते हैं BMW मर्सिडीज लग्जरियस मिल जाए। मर्सिडीज वाले को भी शांति नहीं है, वो हेलीकॉप्टर के फेर में है, और जिसके पास हेलीकॉप्टर है उसे भी पेट में दर्द तो है ही कि हमको एक चार्टर्ड प्लेन हो जाना चाहिए, और चार्टर्ड वाले को भी शांति नहीं है, वो रॉकेट के फेर में है, एक रॉकेट अपने घर का हो जाए तो मंगल ग्रह में आया जाया करेंगे। यहां कोई कंफर्टेबल नहीं है। आप फ्लाइट से तो कभी आते जाते होंगे ना, मैंने देखा है फ्लाइट में घुसने के लिए लोग कितने उतावले होते हैं, जल्दी चलो जल्दी जल्दी बोर्डिंग पास से जल्दी लाइन में आगे घुस जाते हैं, होता है कि नहीं, घर से ही जल्दी करते हैं, जल्दी बैग पैक करो, जल्दी निकलो, जल्दी 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 सब जगह जल्दी जल्दी, बोर्डिंग पास लेने में जल्दी, बोर्डिंग पास के बाद गेट के पास पहुंचते हैं, गेट से अंदर जाने में जल्दी। अब जब फ्लाइट लैंड करती है तो उतरने में जल्दी 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 जल्दी। अब लाइट वो बेचारा टैक्सी मोड में होता है, चल रहा होता है तब तो खटखट खटखट सब खुलने लगता है, खड़े होकर जल्दी। तुझे घुसने में जल्दी है, तुझे निकलने में जल्दी, तू चाहता क्या है? पहले अंदर बैठने में जल्दी हो रही थी, अब अंदर से उतरने में जल्दी हो रही है, मतलब ना अंदर तू खुश है, ना अंदर भी परेशान, बाहर भी परेशान, ये जीवन ही परेशानी से भरा हुआ है। शादी से पहले परेशान, कुंवारा भटक रहा हूँ, ये ठंडा खा रहा हूँ, होटल का खा खा के मर रहा हूँ, शादी के बाद भी आप सबका अनुभव है ही। ये हमारी वास्तव में ये हमारी जो कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये जगत हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। भक्तों, हम लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, फंसना जानते हैं, फंसे हुए। आप रास्ते से चल रहे हो और चलते चलते किसी कुएं में गिर जाओ, तो कुएं में गिरा हुआ आदमी सबसे पहले ये सोचेगा ना कि यहां से बाहर कैसे निकलूं, है?
बुद्धिमान कौन है कि यहां से बाहर कैसे निकलूं, लेकिन हमारा क्या है ना, कुएं में गिरे हैं और अब कुएं में ही रहने का प्लान कर रहे हैं कि इस कुएं में एक छोटा सा घर बना लेते हैं, यहां एक दुकान डाल देते हैं, एक शॉप कर देते हैं। अरे भाई तू कुएं में है, जब तक तू यहां से नहीं निकलेगा तू प्रसन्न नहीं हो सकता, तू खुश नहीं हो सकता, तेरे जीवन में सुख नहीं आ सकता। हम फंसे हुए हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने इस संसार को, इस जगत को जेल कहा। जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, ये दुनिया, ये जगत एक जेल है। हम सब लोग जेल में। एक दिन मेरा प्रवचन था जेल में। हम जेल में भी प्रवचन करते हैं, लेकिन वो लास्ट प्रवचन था। मैंने तो अच्छा प्रवचन किया, जेल वाले कहे, जितने कैदी थे, महाराज प्रवचन बहुत अच्छा करते, हमारी इच्छा हो रही कि आपको यहीं पर हम रख लेंगे। मैं दुम दबाकर भागा, मैं बोला यहाँ आपके पीछे। बोले ऐसे हम लोग अकेले रहते हैं, हमारा टाइम पास नहीं होता है, आप आ गए तो अच्छा टाइम पास हो जाता है, हम यहीं रख लेंगे। फिर से मैं कभी नहीं गया। लेकिन मैंने शुरू कहाँ से किया जानते हो, कि आप चिंता मत करो, हमारे भगवान भी जेल में थे, आप भी जेल में हो। एक आदमी खड़ा होके बोला, वो तो एक दिन थे, हम तो 25 साल से यहाँ पर पड़े हुए। वो तो एक दिन जन्म लिया जेल में, वो तो सीधे निकल गए गोकुल, हमको 25 साल से यहाँ पर बंद करके रखा है। फिर मैंने समझाया कि देखो आप चिंता मत करो, ये दुनिया भी एक जेल है और आप लोग जो रहते हो ये भी एक जेल है। आप छोटी जेल में रहते हो, हम लोग बड़ी जेल में रह रहे हैं। अल्टीमेटली आखिर तो आप भी जेल में हो, हम भी जेल में हैं। आप गवर्नमेंट की जेल में हो, हम ईश्वर की जेल में हैं, हम सब लोग जेल में हैं। और आदमी जेल में जब तक है, उसे कुछ भी मिल जाए, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। मैं बहुत पुराना एक दृष्टांत बार बार दिया करता था कि एक सेंट्रल जेल में बहुत सारे कैदी उम्र कैद की सजा भुगत रहे थे। डाकू मंगल सिंह, डाकू काली, काली तो हमारे बीच में भी कोई है, तो बड़े बड़े डाकू चोर जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहे थे। अब उस देश का राजा का जन्मदिन था। अब राजा के मन में विचार आया, क्या करूं क्या करूं। अब राजा को तो कोई कह नहीं सकता, राजा ने डिसीजन लिया कि मैं जेल में जाऊंगा और जेल के कैदियों की इच्छा पूरी करूंगा। राजा को कौन रोके। जेल में बहुत बड़ा फंक्शन किया गया, जेल ध्वज पताका से सजाया गया, बहुत बड़ा मंच बनाया गया, जैसे आप लोगों ने यहां पर किया। और राजा का जन्मदिन आया, राजा मंच पर खड़े हैं, अनाउंसमेंट हुआ कि सारे कैदी लाइन में खड़े रह जाओ, वन बाय वन स्टेज पर आओ, राजा आपकी सारी इच्छा पूर्ण करेंगे। एक के बाद एक कैदी आने लगे। पहला उम्र कैद की सजा भुगतने वाले कैदी, सबसे पहला कैदी आया, राजा ने कहा क्या चाहिए। शायद थाईलैंड का राजा था। राजा ने कहा क्या चाहिए। बोले महाराज यहां मच्छर बहुत काटते हैं, खुजाते खुजाते आ रहा था। जेल में कुछ मॉस्किटो की, मच्छर की सुविधा करो महाराज, यहां मच्छर इतना काटते हैं, रात को सोने नहीं देते हैं। राजा ने कहा कि इसके कमरे में एक नहीं 10 मॉस्किटो कोयल लगा दो, मच्छर आजू बाजू फरकना नहीं चाहिए। बोले जी सरकार, पास। नेक्स्ट, आपको क्या चाहिए। बोले महाराज दिन भर पत्थर तुड़वाते हैं, काम करवाते हैं, और शाम को केवल 10 बाट देते हैं, कुछ पैसे मिल जाए तो आनंद आ जाए, कितना चाहिए। बोले 5 लाख चाहिए। राजा ने कहा 5 मांग रहा है तू, 10 लेकर जा। राजा ने 10 लाख बाट दे दिए उसको, पास। तीसरा आया, आपको क्या चाहिए। बोले जब से इस जेल में आया हूं, ये लोग केवल खिचड़ी खिला रहे हैं, और खिचड़ी खा खा कर हम थक गए। इस्कॉन की खिचड़ी होती तो खा लेते, लेकिन जेल वाली खिचड़ी, न वेजिटेबल है, न घी है, न कुछ नहीं। अब हम इस खिचड़ी खा खा के थक गए हैं, महाराज कुछ खाने की व्यवस्था करो, कुछ पिज्जा हो जाता, पास्ता मिल जाता, सुमताम मिल जाता।
तो बोले कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा। राजा ने कहा इसके लिए जेल में एक होटल डाल दो, गोविंदा रेस्टोरेंट, इसको जो खाना है खाएगा, जब खाना है खाएगा और आनंद करेगा। राजसूय प्रभु ने भी फुकेट में डाली है गोविंदा रेस्टोरेंट है, ठीक है पास। दूसरा चौथा आदमी आया, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने कहा तुझे क्या चाहिए? बोले सरकार जो मांगूंगा दोगे? बोले तो यहां क्यों आया हूं मैं, देने के लिए तो आया हूं, बोलो क्या चाहिए। चौथे ने कहा सरकार एक काम करो, मुझे जेल से बाहर निकाल दो। अब मैं आपको पूछूं कि चार कैदी थे, उन चारों में से बुद्धिमान कौन? मॉस्किटो कोयल मांगने वाला, भोजन मांगने वाला, पैसा मांगने वाला? सोच के बताना कौन सा बुद्धिमान कौन है। चौथा जिसने क्या मांगा, मुझे जेल से बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि जेल में रहकर कितना भी पैसा मिले क्या लाभ, कितना भी भोजन मिले कुछ भी मिले क्या लाभ। सही सुख तो, सही आनंद तो तब मिलेगा जब हम जेल से बाहर निकलेंगे। ठीक उसी प्रकार हम जिस संसार में रह रहे हैं, हम जिस पृथ्वी में रह रहे हैं, ये दुनिया भी भगवान की एक जेल है। और एक बात याद रखिए, इस जेल में रहकर आपको कितना भी धन मिल जाए, गाड़ी बंगले मिल जाए, कपड़े मिल जाए, कितना भी अच्छा भोजन मिल जाए, जब तक इस जेल में हैं हम सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वास्तविक सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये जगत छोड़कर भगवान के पास वैकुंठ में वापस नहीं जाएंगे, तब तक वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। तो मन में प्रश्न तो होगा कि बात तो सही है, ये जेल के समान यहां तो कुछ है, वहां जाओ तो दुखी, वहां जाओ तो ये करो तो दुखी, ये करो तो दुखी। वास्तविक सुख तब मिलेगा जब हमें भगवान की प्राप्ति होगी, ईश्वर के धाम में जाएंगे। और भगवान का धाम कब मिलेगा? कहते हैं जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, तजोषणादा अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। जब हम भगवान की कथा सुनेंगे और बार बार जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान से प्रेम होगा, तब जाकर भगवान का धाम प्राप्त होगा। और जिस दिन भगवान का धाम मिल गया ना, सारे दुखों से, सारे प्रॉब्लमों से मुक्त और आनंद ही आनंद है। किसी ने पूछा भगवान का धाम कैसा है? अद्भुत है भगवान का धाम। भगवान के धाम में सबसे पहला आनंद क्या है पता है? वहां जॉब या बिजनेस ही नहीं है, वहां बस खाओ पियो। ये जो आप सुबह सुबह 2-3 घंटा करते हो ना, बस वहां यही होता है। कथा सुनो, कीर्तन करो और फिर प्रसाद लो और फिर ड्रामा देखो। कथा गानम नाट्यम गमनपि, कथा है, गान है, नाटक है, ड्रामा है, जो यहां नहीं है, अगली बार करेंगे ड्रामा। और गमनपि एंटरटेनमेंट है, कथा है, आनंद है, सेवा है, प्रसाद है। ये है भगवान का धाम, तद्धाम परमम मम। जब तक वहां नहीं जाएंगे या, लेकिन हमारा क्या ना, इस संसार में रहते 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 हम यही सोचने लगे कि इस दुनिया में ही सुख है, इस दुनिया में ही आनंद है। एक बार इंद्र को श्राप मिला और इस धरती पर सुअर बना, सुअर जानते ना पीग, तो इंद्रासन खाली हो गया और स्वर्ग संभालने वाला राजा कोई नहीं मिला, तो भगवान ने नारद को भेजा, नारद अब छोड़ो, इंद्र ने जो अपराध किया उसको माफ करते हैं, उसको जरा वापस मैसेज दे दो, स्वर्ग में बुला रहे हैं। नारद जी आए थाईलैंड में, सीधे फुकेट लैंड हुए, वो फुकेट में आया था, फुकेट का सुअर बना था। हाँ, इंद्र फुकेट का सुअर बना, सीधे पतंग बीच पे उतरे। नारद एक बीच पर राउंड मार के आए, बोले आया हूं तो देख कर जाऊं, और फिर सीधे सुअर के पास। अब सुअर तो कहाँ रहता है? सुअर तो गटर में होता है ना, वो तो कीचड़ में होता है, वो तो मल खाता है। सुअर कीचड़ में मल खा रहा था, पहले तो नारद को खोजना पड़ा इसमें इंद्र कौन है, ये सारे सुअरों के बीच में इंद्र कौन है।
फिर नारद जी ने पुकारा कि आप में से इंद्र कौन? बोले इंद्र मैं हूं। नारद ने कहा भगवान ने आपका अपराध क्षमा कर दिया है, अब ये जो आपको दंड मिला था वो खत्म, अब चलो स्वर्ग खाली है, स्वर्ग की सीट संभालो, अमरापुरी को संभालो। सुअर ने कहा नारद जी अभी मैं नहीं आ सकता। बोले तो अभी नहीं आ सकते तो कब? बोले आप 15-20 साल के बाद आओ। ला नारद ने कहा ये कीचड़ में तुम फंसे हो, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूं। सुअर ने कहा लेकिन मेरी वाइफ का क्या होगा? क्या मुझे वहां पर सूरी मिलेगी? नारद ने कहा वहां अप्सरा होती है, अप्सरा सूरी के पीछे मत भाग। नहीं नहीं मुझे तो सूरी पसंद है, सूरी मिलेगी? वहां सूरी नहीं मिलती है। नारद ने कहा चलो ना यार चलो। बोले वहां छोटे छोटे बच्चे सुअर के बच्चे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। चलो सूरी नहीं मिलेंगी, सुअर के बच्चे नहीं मिलेंगे। अच्छा देखो वहां ऐसा मल मिलेगा, ये कीचड़ मिले, गटर होगी वहां पर? नारद ने कहा वहां गटर नहीं होती, वहां सोम रस होता है। सूर ने कहा मैं नहीं आऊंगा। इंद्र ने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं मेरी सूरी को छोड़कर, मैं मेरी गटर को छोड़कर, मैं मेरे मल मूत्र ये सब को छोड़कर, ये फीस्ट को छोड़कर मैं कैसे आऊंगा? मैं नहीं आऊंगा। इंद्र जैसा इंद्र भी यहां आता है ना तो माया में फंस जाता है। रजोधिका कर्मो परा दुखे च सुख मानी ना, हमारी स्थिति कैसी है? हम दुख को ही सुख मान बैठे हैं। अब क्या हो सकता है? इसलिए साधु संत महात्मा आते हैं और कुएं में जो गिरे हैं उसको रस्सी डालकर बाहर निकाल। हम लोग कुएं में गिरे हुए हैं और ये भागवत, ये गीता, ये हरिनाम जो है रस्सी है, और इस रस्सी को फेंकते महाराज इसे पकड़ो ताकि हम आपको बाहर निकाले। तो वो कहते हैं कि हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि हमारा वजन बढ़ गया है, हम रस्सी को पकड़ेंगे फिसल जाएंगे फिर से गिरेंगे। तो जिसका बहुत पाप बढ़ गया है उसको निकालने के लिए साधु संत महात्मा रस्सी तो डालते हैं लेकिन रस्सी से खुद नीचे उतरते हैं। समाज में संसार में कभी कभी शुद्ध भक्त शुद्ध संत महात्मा अपने स्टैंडर्ड से नीचे आते हैं और फिर संसार के जीव का उद्धार करके उसे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। आप ये मत समझना कि उस महात्मा का पतन हुआ है, वो पतन नहीं हुआ, वो हमारे जैसे पतित जीवों को ऊपर ले जाने के लिए वो नीचे उतरे हैं। कभी कभी हमारे मन में बड़ा संदेह, कल से जो कथा होगी ना वो इसी पर होगी, गरुड़ को संदेह हुआ। गरुड़, जिस गरुड़ के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, गरुड़ गुणग्राही, गरुड़ परम गुणवान, परम शक्तिमान। गरुड़ के विषय में क्या कहूं कल आप सुनोगे। गरुड़ जब अपनी पंख हिलाता है तो गरुड़ के पंख में से सामवेद की ध्वनि निकलती है। जिस गरुड़ के पंख से सामवेद निकलता है उस गरुड़ के मन में संदेह संचय हुआ। और गीता में कृष्ण ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, नष्ट हो जाएगा। हाँ जो संशय होता है कि शुद्ध भक्त जो है उसका पतन हुआ, उनका पतन कभी नहीं होता। कई बार मैं सुनता हूं मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। लोग कहते हैं हमारे गुरु का पतन हो गया, फलाने सन्यासी का पतन हो गया और तेरा बहुत उन्नति हो गई, तू बहुत प्रोग्रेस कर लिया। फलाने गुरु का पतन हो गया। भक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसमें किसी का पतन होता ही नहीं है। भक्ति का यदि पतन हो तब तो भक्ति बहुत बेकार मानी जाएगी। कृष्ण ने भगवद गीता में कहा स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। और मान लो यदि किसी साधु महात्मा का पतन हुआ, हमको दिखाई देता है, होता तो नहीं है, वो 25वें माले थे, माले पर थे, वो गिरे तो 15वें माले पर अटके और हम लोग तो अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही खड़े हैं। वो पतन होकर भी 15वें फ्लोर पर है और हम लोग मेहनत करके भी ग्राउंड फ्लोर पर ही है। वो पतन होकर भी हमसे महान है,
ये बात कभी मत भूलिएगा। और कभी कभी क्या होता है ना, जिनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। गरुड़ का भी कल हम सुनेंगे ऐसा ही हुआ कि भगवान के साथ सबसे ज्यादा समय गरुड़ बिताता था और गरुड़ को ही संशय हो गया। कभी कभी कुछ भक्तों के साथ हम रहते हैं और उस भक्त को हम पहचान नहीं पाते, उसका अपराध कर बैठते हैं और जो भजन भक्ति जो थोड़ी बहुत मिली है वो भी बर्बाद हो जाती है। आप सबसे बड़ा दृष्टांत मैं आपको दे दूं देवराज इंद्र का। भागवत में यदि आप देखोगे, भागवत में आप चलोगे तो सबसे ज्यादा गलती इंद्र ने की है ना। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ जो हुआ, अपने गुरु का मस्तक काटा, गुरु का अपमान किया, देवराज इंद्र ने कितनी गलती की भागवत में। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, इंद्री यारी व्याकुलम लोकम मुड़ियंती युगे युगे, मैं इंद्र की रक्षा करने के लिए हर युग में अवतार लेता हूं। जब इंद्र इतनी गलती करते हैं तो फिर इंद्र के लिए ही भगवान क्यों आते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं कि इंद्र सृष्टि का बहुत बड़ा मैनेजमेंट, सृष्टि की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। और बहुत बड़ी सेवा करने वाला व्यक्ति एक दो तीन या दस बार यदि कुछ गलती भी कर दे तो उस गलती को नहीं देखना चाहिए। समंदर में एक छोटी सी बूंद जहर की पड़ जाए तो समुद्र जहरीला नहीं हो जाता। उस समुद्र के उस जहर को मत देखो, उस समुद्र की विशालता को देखो। किसी भक्त के दोष को नहीं, उनके गुण को देखो। जो भक्त अपनी जवानी, अपना बिजनेस, अपना काम धाम, अपना सब कुछ छोड़कर अपना जीवन खपा रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, हो सके उसमें यदि कोई दोष हो भी जाए, भगवान तो देखते ही नहीं है, लेकिन समुद्र में रहे हुए जहर को नहीं, समुद्र के गुण को देखना चाहिए। नहीं तो उस भक्त को तो कुछ नहीं होगा, हमारी भक्ति का पतन होगा। गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि सूर्य के ऊपर थूकने से सूर्य को तो कुछ, सूर्य की गरिमा कभी बिगड़ेगी नहीं, सूर्य के प्रकाश तेज को कोई छुपा नहीं सकता, लेकिन सूर्य के ऊपर यदि कोई थूकता है तो वो अपने ऊपर ही गिरता है, वो खुद ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए याद रखे, यदि कोई भक्त सेवा कर रहा हो और उसमें कभी कभार कोई दोष देख भी लो तो उसे अंधे का देख करके उनके गुण के ऊपर विचार करना चाहिए। मैं खास करके थाईलैंड फुकेट के भक्तों को कह रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के भक्त आपस में मिलजुल कर भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। और इस बार तो मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ कि वास्तव में पराये देश में आकर, देखिए पराये देश में जब हम आते हैं ना तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, और बना लेना चाहिए। हम सब पराये देश में आए हैं और इस देश में आकर क्या वेर जेर, सबके साथ आपस में प्रेम से रहे और भजन में आगे बढ़े और भक्ति सीखे और इतनी भक्ति की प्रैक्टिस करे कि फिर हम हमारे देश में वापस जाकर एक भक्ति की क्रांति लेकर आए हैं। श्री प्रभुपाद अक्सर कहते थे यूनिटी इज अ फोर्स, यूनिटी जो है ये बहुत बड़ा काम करती है। लेकिन कभी कभी ये छोटी छोटी बातें हमारी यूनिटी को तोड़ देती हैं, और सबसे बड़े तोड़ने वाला तत्व है दूसरे लोग जो आकर हमें किसी के दोष सुनाते ना, वो इस दुनिया में सबसे थर्ड क्लास के लोग हैं। उनको तो नरक भी नसीब नहीं होगा, नरक भी उनके लिए छोटा पड़ेगा। अजी एक बात बोलू, किसी को कहना मत, बहुत सीक्रेट है, फलानी जो है ना वो ऐसा करती है, फलाना ऐसा करता है। मुझे ये बताओ कि कौन क्या करता है, वो कोई आदमी हमको क्यों सुनाता है? आप एक बार आप सोचिए, ये एक्स वाई जेड, ये आदमी ऐसा किया, ये ऐसा किया, वो हमको क्यों सुना है? क्या मैं उसका गुरु हूं, मैं उसका बाप हूं, मैं उसका बड़ा भाई हूं? कोई नहीं लगता हूं, लेकिन फिर भी वो मुझे सुना रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जो वायरस आ जाते हैं ना, कुछ लोगों एड्स जिसको हो जाता है ना, वो चाहता है कि दूसरे को भी हो, वो अपनी बिरादरी बढ़ाना चाहता है।
तो उसको तो वायरस लग चुका है, वो अपना जहर दूसरे में डालना चाहता है और दूसरा इतना आनंद से सुन, हाँ सुना 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 मुझे, वो उसके अंदर आ जाता है। ऐसे वायरस से आप बचिएगा, यहां वहां बहुत घूमते हैं, ऐसे लोगों से कोसों दूर रहिएगा। और जब भी कोई किसी का दोष सुनाए ना, उसे तुरंत कहना चाहिए हमें किसी का दोष नहीं, यदि गुण सुना सकते हो तो सुनाओ, क्योंकि हम गुण सुनेंगे तो गुणी, सीधी सी बात है, हम किसी का गुण सुनेंगे तो गुणवान बनेंगे और किसी का दोष सुनेंगे तो दोषवान बनेंगे। दूसरों का दोष सुनकर हम क्यों दोषवान बने? इसलिए हम सब भक्त आपस में मिलकर, आखिर तो हम सब भाई भाई है, जब भी कोई आए किसी का दोष या किसी की कंप्लेंट लेकर, तो पहले ये कहो कि आप उसके गुरु को जाकर कहो, हमें नहीं है। हमें कहकर भी लाभ क्या होगा ना, हम कह सकते हैं आपकी तरह हम है, और उल्टा वो जहर हमारे अंदर क्यों डाले। तो कहने का अर्थ यह है कि ये संसार एक कीचड़ है, यहां से हम मुक्त हो सकते हैं भगवान की कथा सुनकर। श्रील प्रभुपाद की बड़ी कृपा है कि आज ऐसे घोर कलयुग में भी भगवत कथा को सुनने का अवसर लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। बहुत सुंदर प्रसंग हम यहाँ पर सुन रहे हैं और सब्जेक्ट हैं अ सेकेंड चांस, दूसरा मौका। श्रीमद् भागवत में अनेक लोगों को सेकेंड चांस मिला, प्रारंभ से कहूँ तो सबसे पहले सेकेंड चांस मिला अश्वत्थामा को। अर्जुन मार ही देता लेकिन अश्वत्थामा को सेकेंड चांस मिला, लेकिन वो ठीक से अपना चांस नहीं ले पाया और अंत में उसे मरना पड़ा। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर को सेकेंड चांस मिला, पहले चित्रकेतु राजा थे, थोड़ा सा अपराध हुआ असुर बने, लेकिन सेकेंड चांस का उन्होंने लाभ उठा लिया। मरते समय भगवान को स्तुति किए, भक्ति किए और भगवान के धाम को प्राप्त किए। श्रीमद् भागवत में ऐसी ही एक कथा आती है सेकेंड चांस अजामिल की, जो कथा हम सब लोग यहां पर सुन रहे हैं। अजामिल को यमराज के दूतों ने आधा बाहर निकाल दिया है और यमराज के दूत और भगवान विष्णु के दूतों के बीच में चर्चा चल रही है और ये आधा अंदर आधा बाहर है और ऐसे देख रहा है जैसे कोई क्रिकेट मैच देखते हैं ना, ये जीत रहा है, ये जीतेगा, ये जीतेगा, ये जीतेगा। भगवान विष्णु के दूतों ने यमराज के दूतों को कहा कि यदि आप धर्मराज यमराज के दूत हो तो बताओ धर्म किसे कहते हैं, धर्म का तत्व क्या है, धर्म का लक्षण। ये कल हमने सुना, कल लास्ट में एक प्रश्न पूछा गया कि आपके यमराज या आप लोग संसार के किसी जीव को किसी मनुष्य को दंड देते हो तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि किसने कितना पाप किया है, कौन कितना पुण्य करता है, कौन पाप करता है, क्या आप घर पे देखने को आते हो? बोले नहीं, हमने प्रत्येक जीवों के ऊपर 12 कैमरे फिट किए हैं। ये कल प्रश्न था ना, बोले वो 12 कैमरे कौन से हैं जल्दी बताओ। बोले वो कैमरे कौन से हैं, सबसे पहला कैमरा इसमें कहते हैं सूर्योग्नि खमरु गाव सोम संध्या हनी दिशह कंकुह कालो धर्म इति एते देहस्य साक्षिणा। सबसे पहला कैमरा है सूर्य, सूर्य देवता को हम देखते ना, ये सूर्य जो गोल है वो कैमरे का लेंस है। आपने कैमरा तो देखा ही है, मोबाइल में छोटा छोटा होता है, ओरिजिनल में बड़ा बड़ा होता है, और सूर्य सबसे बड़ा कैमरा है। सूर्य का प्रकाश जहां जहां पर पहुंचता है उस प्रकाश उस कैमरे के वो सूर्य के कैमरे की रेंज है। आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा, हम लोग थोड़ा बहुत यूज करते हैं, पता है कैमरे का जो लेंस होता है ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं, छोटे बड़े है ना, अलग अलग रेंज के, कोई वाइड एंगल का होता है, कोई नैरो एंगल का होता है। तो सूर्य के कैमरे की रेंज कितनी है, बिल्कुल वाइड एंगल, इतना कि जहां जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां वहां सूर्य को दिखाई देता है।
तो सबसे पहला जीव का साक्षी, जीव के कर्मों का साक्षी कौन है? सूर्य, सूर्य का प्रकाश। अब इस दुनिया में ऐसे पाप हम लोग करते हैं सूर्य प्रकाश में ही करते हैं, तो सूर्य देवता देख रहे हैं, सारा कुछ कैप्चर हो रहा है और उसका कनेक्शन यमराज के पास है, वो देखते हैं। यमराज के पास बहुत बड़ी स्क्रीन है, ऐसे ऐसे हटा हटा के देख, फुकेट का जरा खोलो, जूम करो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा कर्बी में जाते हैं, वहाँ देखो कैसा क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ सब सेटिंग है, लेकिन आदमी की खोपड़ी तो खोपड़ी है, है। मनुष्य सोचता है चलो भाई सूर्य यदि कैमरा है तो हम लोग दिन को नहीं रात को पाप करेंगे, सूर्य देवता यदि साक्षी है तो सूर्य तो रात को नहीं होता ना, वो रात को अमेरिका चला जाता है, दिन को ही थाईलैंड में होता है। तो हम दिन को नहीं, हम रात को पाप करेंगे। तब यमराज के दूत कहते हैं कि दूसरा साक्षी है चंद्रमा, रात को चंद्रमा होता है। पहला साक्षी सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, फिर भी मनुष्य की खोपड़ी को कोई नहीं पहुंच सकता। मनुष्य सोचता है ना दिन को करेंगे, रात को हम अमावस्या के दिन पाप करेंगे, जहां सूर्य भी नहीं होता, जहां चंद्रमा भी नहीं होता। यमराज के दूत कहते हैं सूर्य, चंद्र, तीसरा है अग्नि। अग्नि जो है जीव का साक्षी है। आगे कहते हैं आकाश, खम, ये जितना भी आकाश है, आकाश भी जीव का साक्षी है। मरुत, वायु। अब ऐसी तो कोई जगह नहीं ना जहां वायु न हो और आप पाप करोगे, शून्य अवकाश में जाकर, वहां तो पाप होगा ही नहीं, सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो ये पवन देवता जो है, जो वायु है, वो भी जीव का साक्षी है। तो सूर्य, चंद्र, अग्नि, आकाश, वायु, गावह, ये हमारी जो इंद्रिया है वो हमारे कर्मों का साक्षी है। संध्या, संध्या का जो समय है वो जीव का साक्षी है। अहनि, रात जो है वो जीव का साक्षी है। दिश, दसों दिशाएं जीव का साक्षी है। जल, कुछ लोग पानी में जाकर पाप करते हैं तो पानी भी जीव का साक्षी है। कुह, पृथ्वी जीव का साक्षी है। कालह, समय जीव का साक्षी है। और धर्म, साक्षात धर्मराज भी अपनी आंखों से डायरेक्ट देखते हैं, सो धर्म भी जीव का साक्षी। कितने हुए? हो गए, बस खुश, हैप्पी। ये 13 लोग जो है कंटिन्यू हम सबको देखे जा रहे हैं, और हमारा जो भी लेखा जोखा, हम जो भी अच्छा बुरा काम करते हैं रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पर। तो यमराज के दूत कहते हैं एते धर्म विज्ञात स्थानम दंडस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दंड मरहंती कारिणः। सो इस प्रकार सभी जीवों के पापों को देखकर उनका दंड निश्चित किया जाता है और उसको यमलोक में सजा दी जाती है। कुछ लोग मानो भगवान के दूतों ने कहा कि ठीक है, अच्छा काम करते हैं उसे स्वर्ग, बुरा काम करते उसे नरक, लेकिन जो कर्म ही नहीं करते उनके लिए, बोले ये संभव ही नहीं है। संभवंति ही भद्राणी विपरीतानी चानग, हे अनघो, हे निष्पाप, हे विष्णु के पार्षदो, इस दुनिया में कुछ लोग अच्छे काम करते, कुछ लोग बुरे काम करते हैं, काम तो करना ही होगा, क्योंकि कारिणाम गुण संगोष्ठी देहवान ही कर्मकृत, शरीर मिला है तो कर्म तो होगा ही, कर्म किए बिना कोई एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अब दो ही ऑप्शन है, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छी गति मिलती है, और जो बुरा कर्म करता है उसे बुरी दशा मिलती है। और इसे देखकर तथा तावत अमूत्र वे, उसे यहां पर नहीं, उसे कहीं और दंड दिया जाता है। यमराज के दूत कहते हैं कि इस दुनिया में जो पाप करता है उस पापी को यहां सजा नहीं मिलती, उसे अमूत्र वे, उसे कहीं और अर्थात नरक में सजा मिलती है। तो कुछ लोग कहते हैं जो यहां सजा मिलती, यहां आदमी दुखी होता है, वो क्या? वो तो जस्ट एक सैंपल है,
आप लोग नहीं टेलर काट कर सैंपल देते हैं, वो सैंपल है, वो गोडाउन तो नरक में है, होलसेल में दंड मिलने वाला है। इस संसार में व्यक्ति के पास 25 तत्व है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन मात्रा, 5 महाभूत से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ यह शरीर, और फिर 16वां तत्व है मन आत्मा। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हमारी ये इंद्रियां जैसे बुरा काम करती है आंख, ठीक है, बुरा दृश्य देखती है आंख, लेकिन आंख बुरा दृश्य देखती है, दंड किसको भुगतना पड़ता है? आत्मा को। बुरा काम करता है हाथ, लेकिन दंड कौन भुगतता है? आत्मा। ये टेस्ट लेती है खाना पीना जो खाती है मांस आदि, वो जिह्वा, लेकिन उसका दंड भुगतना पड़ता है आत्मा को। बहुत सुंदर यमराज के दूत कहते हैं कि आदमी इतना पागल मूर्ख बन चुका है कि शरीर से बुरा काम करता है तो बुरा काम होता है शरीर से, लेकिन दंड भुगतती है बिचारी आत्मा। इसलिए आत्मा के द्वारा शरीर को कंट्रोल करना चाहिए, आत्मा के द्वारा मन को कंट्रोल करे, बुद्धि को कंट्रोल करे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करे। हमारा क्या है ना, न मन कंट्रोल है, न बुद्धि कंट्रोल, न इंद्रिया कंट्रोल। इसलिए मन बुद्धि इंद्रिया अपने अपने हिसाब से पाप करती हैं, और पाप करके हम जब मर जाते हैं तो शरीर इंद्रिया तो जलकर राख हो जाती हैं, लेकिन सारा दंड आत्मा को भुगतना पड़ता है। समझ आ रहे ना? बुद्धिमान व्यक्ति वो है, ये नाशवंत इंद्रिया, ये नाशवंत शरीर से इतनी तपस्या करे, इतनी भक्ति करे कि मरने के बाद आत्मा की उन्नति हो, आत्मा को वैकुंठ मिले। लेकिन अज्ञानी जो है वो आत्मा के बारे में समझते नहीं है, और इसी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए पाप करते हैं। इंद्रिया तृप्त होती नहीं, बस घड़ी दो घड़ी का आनंद मिलता है, और उस पाप के कारण आत्मा बड़ी दुर्गति में फंस जाता है। बहुत भयानक भयानक नरक में आत्मा फंस जाता है। यहां पर कोई आदमी मांस खाया, आप तो नहीं खाते हो, आप तो सब पवित्र है, यहां पर कोई मांस खाया तो मरने के बाद यमराज के दूत कुंभीपाक नरक में, फतिया में ये बहुत विस्तार से कथा हुई थी, कुंभीपाक नरक में बहुत बड़ी कड़ाई होती है, एक नहीं बहुत सारी कड़ाई, जानते ना आप लोग, पूड़ी भजिया तलते ना, ये तो छोटी होती है, वहां तो बहुत बड़ी कड़ाई होती है, उसमें बहुत होता है तेल, नीचे से किया जाता है गरम, वो तेल उबलता है, खोलता है, और उस खोलते हुए तेल में यहाँ फुकेट में रहने वाले आदमी ने जैसे मांस पका कर खाया है, उस आदमी को वैसे ही गर्मा गर्म तेल में पकाया जाता है। भागवत में बड़े विस्तार से लिखा है, वो चिल्लाता है मुझे छोड़ दो, मैं अब नहीं करूंगा, यमराज के दूत नीचे उतरो, इसके फिर से पीटते हैं, साले मनुष्य जीवन मिला था, बुद्धि मिली थी, वेद शास्त्र गीता भागवत रामायण जैसे ग्रंथ मिले, तुझे उसे पढ़ना था और पढ़कर संभल जाना चाहिए था। कुछ लोग कहते ना, हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, हमारे नहीं जानने मानने से प्रकृति के नियम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां फुकेट में आया, मुझे ड्राइविंग करनी हो, और मेरे देश के रूल अलग हैं, इस देश के रूल अलग हैं, और मैं ड्राइविंग करते हुए सिग्नल को छोड़ दूं या कुछ गलत कर दूं, पुलिस वाला पकड़ेगा, और मैं कहूं मैं तो यहां के नियम को नहीं जानता, तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? वो कहेगा ना, पहले तुम्हारा अधिकार है, तुमको चाहिए कि नियम पढ़ो, नियम समझो, फिर गाड़ी चलाओ। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन जीने के पहले नियम समझो, मनुष्य जीवन जीने के रूल समझो। और प्रथम रूल है, मनुष्य मांस नहीं खाना चाहिए, मनुष्य को मांस खाने के लिए नहीं बनाया। यमराज के दूत मारते पीटते कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला था, वेद शास्त्र मिले थे, तुम्हारी जिम्मेवारी थी उसे पढ़कर अपना जीवन सुधारना, तुमने नहीं पढ़ा, नहीं सुधरे, अब दंड भोग दो। गरम गरम खोलते हुए तेल में वो चिल्लाता है, उसे डालता है, मूर्छित सा हो जाता है, खून पस निकल जाता है,
और मूर्छित हो जाता है, और जब मूर्छित हो जाता है ना तो फिर आप कैसे वो पूड़ी पक जाती है और फिर वो जारा दाल कैसे ऐसे नितारते हो। थाईलैंड वाले तो अच्छे बड़े दिल वाले हैं, हमारे गुजराती मारवाड़ी तो पूरा तेल निकाल देते हैं, पूरा पूरा ऐसे आधा घंटे तक करते हैं, फिर रखते हैं, फिर जो थोड़ा बहुत बचा उसे सिर पे लगा देते हैं, फिर ऐसे हाथों में लगा देते हैं, और भी बचा तो थोड़े मूंछ पे ऐसा ऐसा कर देते हैं, थोड़े आईब्रो पे ऐसा कर देते हैं, और फिर उसे रख देते हैं। फिर वो मरता नहीं है, आधे एक दो घंटे के बाद जब उसको होश आता है फिर से यमराज के दूत तो 10 दूत ऐसे उसकी राह देख कर बैठते हैं कि कब ये जगेगा। फिर वो पापी जब जगता है ऐसे धीरे से करके, फिर से उसे मारते हैं पीटते हैं, फिर से उसे उठाकर गरम गरम तेल में डालते हैं, मरता नहीं है। आप कहोगे कितनी बार डाला जाएगा, जितनी बार मांस खाया है इनटू 1000 टाइम। आप लोगों ने तो नहीं खाया, आपको तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन 1000 टाइम बड़ा कष्ट दिया जाता है। शराब पीते हैं, आप तो नहीं पीते होंगे, उसे आईपान नरक में डालते हैं, उसके मुख में गरम गरम लोहे और शीशे का रस डालते हैं, लोहा और शीशा ऐसा लिखा है, लोहा और शीशा मिक्स करके उसका रस बनाकर। तो परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी लोहा और शीशा मिक्स क्यों करते हैं? बोले वो फुकेट वाला मिक्स करके पिया है कॉकटेल आप लोग तो नहीं, आपको तो पता भी नहीं होगा ये सब क्या होता है, सब सीधे लोग हो आप। बोले वो मिक्स करके पिया है, इसलिए वो लोहे का रस शीशे का रस मिक्स करके, यहाँ रस्सी बांधते हैं, एक रस्सी ये यमदूत खींचता है, दूसरी रस्सी दूसरा यमदूत, और जबरदस्ती उसके मुख में डालते हैं। ये चिल्लाता है छोड़ दो, अब नहीं करूँगा नहीं करूँगा, यमराज के दूत मारते हैं, मनुष्य जीवन मिला था, बुद्धि मिली थी, और फुकेट में लाल गोविंद को हर साल हम भेजते थे ये सब समझाने के लिए। बड़ी दुर्दशा होती है। और जो नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसे संदश नरक और अनेकों प्रकार के नरक में उसे दंड यातना दी जाती है। तो यमराज के दूत कहते हैं, भगवान के पार्षद ने कहा ठीक है, ये सब पापियों के लिए हैं, अजामिल का क्या दोष है, ये तो साधु है साधु। यमराज के दूत कहने लगे, महाराज आपको रॉन्ग नंबर लगा है, ये कोई साधु नहीं, इसकी हिस्ट्री आप जानते हो। भगवान के पार्षद ने कहा, इसकी हिस्ट्री जानने के लिए हम लोग यहाँ पर घूमते हैं, हम तो भजन करने वाले लोग, तो महाराज हम इसकी हिस्ट्री सुनाते हैं, इस अजामिल की हिस्ट्री सुनो आप। अब अजामिल की हिस्ट्री यमदूतों के मुख से, यमदूत जब अजामिल की हिस्ट्री सुनाने लगे तो पहले राधा माधव की है, कीर्तन की है, हम भी 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, फिर अजामिल की हिस्ट्री सुनते हैं और किस प्रकार से अजामिल सेकेंड चांस लेता है, और जो नरक में जाने वाला था वैकुंठ में जाता है। यमराज के दूत जब अजामिल को लेने के लिए आए, भगवान विष्णु के दूतों ने रोक दिया, कहा कि आप इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा साधु है। यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज आपको गलत फहमी हो रही है, ये साधु है नहीं था, इसका पास्ट अच्छा है, वर्तमान प्रेजेंट अच्छा नहीं है। सुनिए किस प्रकार से अजामिल पापी बना, हम उसके पाप की दास्तान सुनाते हैं। ये अजामिल की दास्तान नहीं, ये फुकेट में रहने वाले मनुष्यों की दास्तान है। अपने आप को कहीं ना कहीं बिठा लीजिएगा, क्या कहते हैं, अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय। यमराज के दूत कहते हैं कि ये अजामिल श्रुत संपन्न, अजामिल का सबसे पहला गुण गिनाया श्रुत संपन्न, श्रुत माने सुनना। अजामिल के पास बहुत बड़ी संपत्ति थी, वो संपत्ति क्या थी, वो सुनता था, वो व्यक्ति संपत्तिवान है, बहुत बड़ा धनी है, जो दूसरों का सुनता है, दूसरों की कथा सुनता है, पत्नियों की गाली सुनता है। सुन लो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, सुन लो।
80 साल की बुढ़िया कांपते कांपते कोर्ट में गई, जज साहब मुझे डिवोर्स देना है। जज ने कहा 80 हो गए हैं, लड़खड़ा रही हो, दो पांच दिन में मरो। नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए, बस डिवोर्स चाहिए। बोले माताजी अब खींच लो ना, दो पांच महीने अब मरने ही वाली हो। ना ही मुझे डिवोर्स चाहिए, कहा मैंने, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बोले वो मुझे डांटते हैं बहुत, और जब मैं डांटना शुरू करती हूं तो कान से मशीन निकाल देते हैं। वो बहरे होते हैं ना, कान काम नहीं करता तो कान में मशीन डालते हैं। बोले मतलब उनका हम सुने और हमारा वो ना सुने, इसलिए डिवोर्स चाहिए। यदि हम सुन लेते ना तो सारी परेशानी सॉल्व हो जाती है, लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम सुनते नहीं है। अयम ही श्रुत संपन्न, अजामिल का सबसे पहला सबसे बड़ा गुण था कि वो सुनता था, किसी के प्रवचन में किसी की कथा ये सब सुनता था। समय कम है, मैं संक्षिप्त में बता दूंगा। तो अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय, अजामिल में शील था, शीलवान था, सुशील था। किसके साथ? बड़ों के साथ कैसा व्यवहार, समान के साथ, छोटों के साथ, सब कुछ जानता था। गुणों का आलय, ये अजामिल गुणों का खजाना था। महाराज अजामिल में बहुत गुण थे। धृत व्रतो, सारे व्रत करता था, एकादशी व्रत, ये व्रत, वो व्रत, और व्रत में अड़ग रहता, हमारी तरह नहीं, सुबह व्रत लिया और दोपहर को भजिया खाकर खड़े रहता है। अरे रे, ये तो व्रत खुद खुल गया। घृत व्रतो, मृदु दांत, अजामिल के विषय में कहते हैं मृदु, उनकी भाषा बहुत मीठी थी। किसी भी आदमी का ये बहुत अच्छा गुण है, वाणी मीठी बनाना, मीठी वाणी थी। यदि वाणी अच्छी हो ना तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं तो पता नहीं चलता ये बोली है कि बंदूक की गोली है। गन मशीन दादा 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 ऐसे बोलकर फिर चले जाते, पूरा खत्म। सुंदर वाणी थी, मृदु, और दांत अजामिल जितेंद्रिय था, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर चुका था। इतना ही नहीं, सत्यवान अजामिल कभी झूठ नहीं बोलता था। कितने गुण गिनाए? श्रुत संपन्न, शील वृत्त गुण आलय, द्रुत व्रत, मृदु, दांत, सत्यवान, और इतना ही नहीं, मंत्रवित। अजामिल सारे मंत्र को जानता था। बहुत सारे मंत्र होते हैं, जैसे हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु। राधा रानी को प्रणाम करते हैं, तप्त कांचन गौरांगी। प्रभुपाद को नमोम विष्णु पादाय, चैतन्य महाप्रभु को नमो महावदान्याय, जगन्नाथ जी को, बस यहां से अब धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जगन्नाथ जी को नहीं आता। देव देव जगन्नाथ प्रवरनति विनाशन त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष पतितम भव सागरे, ये सबको याद होना चाहिए। अजामिल को याद था, हमको याद नहीं। मतलब हम तो अजामिल से ही गए गुजरे ना। फिर सुभद्रा देवी का प्रणाम मंत्र क्या है? दीक्षा किसने दी आपको, आप लोगों को? सुभद्रा देवी का प्रणाम मंत्र, जय देवी भक्ति दात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रेत्वम सर्वेशाम भद्रदायिनी। बलराम जी का प्रणाम मंत्र क्या? नमस्ते स्तु हलग्राम, नमस्ते मूशलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल। क्या प्रणाम करते, हम तो समझ में नहीं आता। भगवान विष्णु का प्रणाम मंत्र क्या है? जब विष्णु को प्रणाम मंत्र करते क्या, बस ऐसे ही मत्था टिकाया चलने लगे? सशंख चक्र सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर एक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। छोड़ो, राम का प्रणाम मंत्र क्या? रामनवमी रामनवमी, हरे कृष्ण हरे राम हमारी साधना है। राम का प्रणाम मंत्र क्या? मैं अजामिल के ऊपर बोल रहा हूं, सब जानता था अजामिल। मंत्रवित, राम का प्रणाम मंत्र,
लोकाभिरामम रणरंग धीरम है? राम का प्रणाम मंत्र है, आपको देखकर मैं भी भूल रहा हूं मुझे कितना याद रहता है संगत का असर हो रहा है आप लोगों की। नीलाम मुझे श्यामल को मलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महाशा यक्षारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। प्रसन्नात्मया गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंद नस्य में सदास्तु सामंजु मंगल प्रदा। राम का प्रणाम मंत्र, सीता जी का प्रणाम मंत्र क्या है अजा मिल जानता था। जनक सुता जन जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पावाऊं। सीता का प्रणाम। शादी की आप लोगों ने? मैक्स शादी की? गणेश जी की स्थापना की थी? गणेश जी का प्रणाम मंत्र क्या है? हमारे देश में जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो पहले गणेश स्थापना करते हैं। बस गणेश जी को बिठा देना, बड़ा पेट, हमारा भी बड़ा पेट, गणेश के सामने गणेश बिठा देना। गणेश जी अजामिल जानता था, मंत्रविद। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जांबु फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी को प्रणाम। शिव जी का तो आना ही चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सा भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयार। ये सब मंत्रविद। सुबह जगते हैं अपने बेड बिस्तर से धरती माता के ऊपर चरण रखने से पहले एक मंत्र बोलना चाहिए। ये धरती भगवान की पत्नी है, उस पर हम खाते पीते सब, तो पहले प्रणाम मंत्र। स्नान करते समय मंत्र, सोते समय मंत्र, हमारा तो कुछ नहीं। बस अजामिल ये सब जानता था, मंत्रविद था अजामिल, मंत्र का जानकार था। इतना ही नहीं, शुचि ही पवित्र था यह लड़का। अजामिल बालक बड़ा पवित्र था। आगे कहते हैं, गुरु अग्नि अतिथि वृद्धा नाम शुश्रूषु निरअहंकृत। अजामिल गुरु की सेवा करता था। हम तो गुरु आते हैं, पता चला फुकेट में हम बाहर, हम बैंकॉक, नहीं। अजामिल गुरु सेवा करता था। गुरु शुश्रूषु, गुरु की सेवा। अग्नि शुश्रूषु, अग्नि की सेवा करता था, माने यज्ञ करता था। अतिथि, अतिथियों की सेवा करता था। अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। अभी नरक की कथा हुई थी फतिया में, कि अपने घर पर या अपने गांव में आए हुए अतिथि की सेवा नहीं करते हैं वो लोग नरक में जाते हैं। मतलब हम लोग आए हैं तो आप लोग कीजिएगा, सब क्लेरिफिकेशन करना पड़ता है। आप लोग इशारे में नहीं समझते हो तो क्या करें अब तो यहां तो खत्म हुआ तो गुरु अग्नि, गुरु की सेवा, अग्नि की सेवा, अतिथि की सेवा। इतना ही नहीं, वृद्धा नाम, वृद्धों की सेवा करता था। और इतनी इतनी सेवा करने के बाद भी निरअहंकृत, थोड़ा भी अहंकार नहीं था। हमारा क्या ना, सेवा इतनी करते हैं अहंकार इतना होता है, बस ये सब मैं ही कर रहा हूं। अब दिया है कथा में 25 बाट, लेकिन बात क्या करेगा, ये अपना आयोजन है, मैं ही नहीं आयोजन किया है सब, आ जाओ यहां पर लेकिन अहंकार, निरअहंकृत, अहंकार नहीं था। अहंकार एक ऐसी वस्तु है, किरा कराया सब गया जब आयो अभिमान। जब अभिमान आया तो जो भी जीवन में किया कराया सब नष्ट हो जाता है। सर्वभूत सुहृद अजामिल सभी जीवों का सुहृद था। कभी भी पशुओं को मारता नहीं था, नॉनवेज नहीं खाता था। साधु अजामिल सज्जन था, मितवाक अल्पभाषी, ज्यादा नहीं बोलता था हमारी तरह, बैं 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 बैं, बस वो थाई में, कभी बंगला में, कभी बर्मा भाषा में, कभी नेपाली में, कभी इंग्लिश में, टक 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 टक, चालू नहीं था इसका।
जरूरत पड़ने पर ही बोलता था, अल्पभाषी मितवाक और अनसूय किसी की ईर्ष्या नहीं करता था। हमारा क्या है ना, कोई हमसे आगे निकल जाए तो बड़ी गड़बड़ होती है। हमारे देश में क्या होता है ना, घर में लाइट जाती है ना तो माँ बच्चे को कहती है, बेटा जरा देखो बाजू में गई है कि नहीं, यदि बाजू में गई है तो कोई चिंता नहीं, सबकी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी की नहीं गई, हमारी अकेले की गई तो हृदय जलने लगता है। इसे कहते हैं ईर्ष्या, दूसरों की प्रगति देखकर जलना। तो इस प्रकार अजामिल के गुण समझ में आ गए। ये अजामिल बहुत संस्कारी था, बहुत गुणवान था, लेकिन ऐसे अजामिल, ऐसा गुणवान अजामिल दुनिया का सबसे बड़ा पापी कैसे हो गया, ये जानना चाहते हैं ना। ये सुनिए, दुनिया का सबसे अच्छा लड़का सबसे बड़ा पापी कैसे, तो कुछ सुनाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, कथा यहीं से शुरू होती है ना, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम इन फुकेट। लोखंड वाला तो देख लिया आपने, मुंबई भी देख लिया, एक समय की बात। एकदा सोवनम यात, एकदा एक समय की बात, अजामिल वनम यात, वन में गया था। पूछा गया वन में क्यों गया, अजामिल वन में क्यों गया, तो कहते हैं पितृ संदेश क्री द्विज। अजामिल के पिता को यज्ञ करना था, ये ब्राह्मण थे, अजामिल ब्राह्मण था, उनके पिता को यज्ञ करना था और अजामिल के पिता ने उस अजामिल को बुलाया। अब विवाह हो चुका था, अच्छी सी पत्नी घर पर थी, अजामिल बुलाया, बेटा यहाँ आओ, जाओ जरा वन में जाकर यज्ञ करने के लिए समीधा कुश लकड़ी लेकर आओ। आचार्यों ने अपनी टीका में लिखा है कि जिस समय अजामिल के पिता ने यह आदेश दिया ना, अजामिल की आंखों से आंसू आ गए। अजामिल दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता के चरणों में गिर गया। पिताजी आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपको मुझे आदेश देना पड़ा, क्योंकि सच्चा पुत्र तो वो है, अव्वल नंबर का पुत्र तो वो है जो पिता के इशारे को समझकर, पिता के मन की बात को समझकर सेवा करे। आज आपको आदेश देने का कष्ट लेना पड़ा, ये मुझे अफसोस है। ये था अजामिल। हमारा तो क्या ना, पिता के मन को भी नहीं जानते, उनका आदेश भी नहीं मानते, वो बार बार कहते फिर भी नहीं मानते, ऐसे पुत्र पुत्र है ही नहीं। अब छोड़िए उसके बारे में क्या कहना, धन्य है अजामिल। पिताजी ने कहा कि जाओ बेटा जरा वन में लकड़े लेकर आओ, अजामिल निकला है। वन में गया और जो सूखे लकड़े पत्ते जो भी था, समीधा आदि लेकर उसकी बोरी बांधकर अपने मस्तक पर चढ़ाकर जैसे ही ऐसे मोड़ा, यमराज के दूत ये कथा सुना रहे, कहते हैं आदाय तत आवृत, जब वो वापस लौट रहा था क्या लेकर, फल पुष्प समित कुशान। तो फल पुष्प समित और कुश लेकर अजामिल आदाय तत आवृत वापस लौट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल फुकेट पर जा रही है कथा। जब हाथ में उस लकड़े की बोरी लेकर जब मुड़ा वापस, तो देखा बंगला गली। ददर्श कामिनम कश्चिद। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग कैसी रिस्क वाली जगह पर रह रहे हो। ददर्श कामिनम कश्चित शुद्रम सह भुजीशया पित्वाच मधु मेरेयम मदा घूर्णित नेत्रया। यमराज के दूत कहते हैं कि जब अजामिल उस लकड़े को लेकर पिता की आज्ञा के अनुसार वापस लौट रहा था, तो ददर्श उसने एक दृश्य देखा। ददर्श दृश्य देखा, क्या देखा, कामिनम क्वचित शूद्रम सह, एक कामी पुरुष जिसके हृदय में काम वासना भबक रही थी,
और उसके साथ एक शूद्र वेश्या, एक स्त्री नृत्यांगना। तो ददर्श कामिनन कश्चित शूद्रम सह भुजिष्या, उस नृत्यांगना वेश्या के साथ एक कामी पुरुष खड़ा था और क्या कर रहा था, पीतवा च मधु मेरे, यह दोनों शराब पी रहे थे। वो पुरुष भी शराब पी रहा था, वो वेश्या भी शराब पी रही थी, और मदा घूर्णित नेत्रया, और शराब इतनी चढ़ गई थी कि आंखें लाल लाल हो चुकी थी और आंखें घूम रही थी। मत्तया, शराब के नशे में वह कामी आदमी और वह शूद्र वेश्या दोनों मत्तया, मदमस्त मतवाले हो चुके थे। विश्लत्थत निव्या, और उस स्त्री के, उस वेश्या के वस्त्र धीरे धीरे खुल रहे थे, क्योंकि नशे में थे, कपड़ों का कोई भान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, और निरपत्रपम, और किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं थी। कामातुराणाम न भय न लज्जा, जिसके दिमाग पर काम का वेग सवार होता है ना, उसे न तो किसी का भय होता है न किसी की लज्जा होती है, तो निर्लज्ज। अनया अंतिके कृणनंतम अनुगायंतम हसंतम, यह कामी आदमी और वह शूद्र वेश्या एक दूसरे को शराब पिला रहे थे, पी रहे थे, शराब के नशे में जूम रहे थे और गाना गा रहे थे। ये उसकी प्रशंसा कर रहा था, वो इसकी प्रशंसा कर रही थी, एक दूसरे को गले में हाथ रखना, चुंबन करना, आलिंगन करना, जैसे आप लोग पतंग में देखते हो, ऐसा, बिल्कुल ऐसा। अब एक साधु लड़का अजामिल, उसके गुण आपने सुने, वो घर पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने एक दृश्य देखा, यहां तो हजारों दृश्य देखने मिलते हैं, एक दृश्य देखा। अब देखो क्या हुआ आगे। दृष्ट्वा त्वाम काम लिप्तेन बाहुना परिरंभित जगाम रिच वशम सहसेव विमोहित। इस प्रकार वह स्त्री और पुरुष का आलिंगन, मिलन, गाना, ये सब कुछ, ये काम वासना से आवृत दृश्य देखकर अजामिल के हृदय में कामना उत्पन्न हो गई। अजामिल का मन अपने कंट्रोल से बाहर होने लगा, लेकिन यमराज के दूत कहते हैं कि आखिर तो ये श्रुत संपन्न प्रवचन सुना था ना, बहुत प्रवचन सुना था, वेद पढ़ा था, शास्त्र पढ़ा था, मंत्र भी याद थे, तो स्तंभ भयन आत्मानम यावत सत्वम यथा श्रुतम, जो उसने सुना था, पढ़ा था वेदों में, क्या सही क्या गलत, उसको याद करने लगा। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं देखना चाहिए। अजामिल ने अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी ताकत लगाई और सोचा नहीं, ये गलत दृश्य है, ये दृश्य नहीं देखना चाहिए। अजामिल अपनी आंखें बंद करता है, ऐसे मुड़ जाता है, चलने लगता है, अपने आप को बहुत कंट्रोल करने का प्रयास किया, जैसे प्रवचनों में सुना, शास्त्रों में पढ़ा, लेकिन अफसोस के साथ यमराज के दूत कहते हैं कि न शशाक समाधातुम मनोमदन वैपितम। बहुत प्रयास किया अजामिल वेद और शास्त्र को याद कर करके कि मेरा परिवार क्या है, मैं किस कुल का हूं, मेरे माता पिता कौन, सब कुछ याद किया, लेकिन न शशाक समाधातुम, अजामिल अपने आप को रोक नहीं पाया, नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि मनो मदन वैपितम, क्योंकि मन के ऊपर मदन, काम का वेग सवार हो चुका था। भक्तों, जब जब काम का वेग सवार होता है ना, ये काम इतना प्रचंड होता है कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विवेकी ज्ञानी लोगों की बुद्धि को भी हर लेता है। उस समय शास्त्रों का ज्ञान है, ये प्रवचन, ये कुछ याद नहीं आता, और आदमी के ऊपर काम का वेग आदमी की बुद्धि को उड़ा देता है, उनकी शीलता को नष्ट कर देता है। अजामिल अपने आप को रोकने का प्रयास, लेकिन नहीं रोक पाया। तत् निमित्त व्याज स्मरक ग्रह ग्रस्त विचेतन, अजामिल अपनी दृष्टि को तो हटा लिया, लेकिन वो दृश्य उसके मन में फिट हो गया था। देखिए, ये आप कनेक्ट कर सकते हो अपने जीवन के साथ,
तत्निमित्त व्याज अजामिल अपने आप को रोकने का प्रयास किया और वहां से चल भी दिया, लेकिन मन में वो दृश्य गहरी छाप जमा चुका था। मैं आपको कहूं, इस दुनिया में अच्छे दृश्यों का प्रभाव हमारे मन पर उतना नहीं करता है जितना बुरे दृश्यों का प्रभाव होता है। आप गए रविवार इस्कॉन फुकेट में आए होंगे और गौर निताय ने किस रंग का वस्त्र पहना होगा आपको नहीं पता होगा, लेकिन वर्षों पुराना कोई बुरा दृश्य देखा होगा वो आज भी तरोताजा होगा। बुरे दृश्य की छाप बहुत गहरी होती है और मन में वह छाप आ जाती है। तो तन निमित्त व्याज स्मर ग्रह ग्रस्त विचेतन ताम एव मदसाध्यायन स्वधर्मात विरामः। अजामिल क्या किया, मन को तो संभाल नहीं पाया, मन में वो दृश्य फीट था, आधे रास्ते पर पहुंचा वापस आया और अब अजामिल सोचा कि मेरा जीवन यज्ञ करते करते धूल और धुएं में चला गया, सही आनंद तो ये बांग्ला गली वाले ले रहे हैं, सही अच्छा सही आनंद तो ये लोग ले रहे हैं। अजामिल पूरा आप तो अब वो बोरी नीचे रखा, उसमें से एक लकड़ा बाहर खींचा और वो स्त्री और पुरुष दोनों तो नशे में थे। अजामिल ने वह लकड़ा उस पुरुष के सिर पर जोर से मारा, वो वहीं पर मर गया। और जो अजामिल पिता की आज्ञा पर वो क्या रोया था और क्या था, वो अजामिल उस वेश्या को लेकर अपने घर पर आया। अजामिल की पत्नी थी ऑलरेडी सुशील नारी, उसके विषय में आया है, लेकिन अजामिल ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, आज की भाषा में डिवोर्स दे दिया, और वेश्या को अपने घर लेकर आया। यमराज के दूत सुखदेव आदि कहते हैं कि उनके माता पिता ये दृश्य नहीं देख पाए, पिता वन में चले गए और माता कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली और अजामिल उस वेश्या के साथ रहने लगा। कहते हैं तामेव तोषयामास पित्रेण अर्थेन यावता ग्राम्ये मनोरमे कामे प्रसीदेत यथा तथा। अब वेश्या तो धन चाहती है ना, उस स्त्री का भरण पोषण करने में अजामिल ने पितृ अर्थेन यावता अपने पिता का सारा धन खर्च कर दिया, पिता की सारी संपत्ति को उड़ा दिया अजामिल, और पिता की संपत्ति समाप्त होने पर ग्राम्य मनोरमे कामे यहां वहां, जैसे आपने सुना चोरी करता, डाका डालता, जुआ खेलता, कपट करता और वो पैसे कमाने लगा, पैसे बटोरने लगा। विप्राम सोभार्याम प्रोढ़ाम कुले महति लंबिताम विसर सर्जा चिरात पाप स्वेरिणिया पांग विद्वधि। एक श्लोक में कहते हैं कि अजामिल की पत्नी बहुत अच्छी थी, बहुत सुशील थी, लेकिन स्त्री के चक्कर में अजामिल ने अपनी पत्नी को घर से बेघर कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। और अजामिल न्यायतो अन्यायतो धनम, न्याय से अन्याय से पाप करके धन को एकत्रित करने लगा और बभार आस्य कुटुंबिया कुटुंब मंद धीरयम। और ये मंदमति अजामिल पाप करते करते अपने कुटुंब का भरण पोषण करने लगा। यदसो शास्त्र उल्लंघ्य, जितना हो सकता था उसने शास्त्र का उल्लंघन किया। और स्वेर चार्यार्थ गर्हित, और अजामिल स्वच्छंद स्वतंत्र आचरण करने लगा। मलात अधायु अशुचि, अजामिल बड़ा दूषित कर्म वाला और उसका पापमय जीवन और अपवित्र जीवन हो गया। और इसलिए अब देखिए यमराज के दूत कहते हैं, अंतिम श्लोक है इस कथा का, तत एनम दंड पाणे, इसलिए हे विष्णु दूतो, इसलिए इसने इतने बुरे काम किए हैं, सकाशम कृत किलबिश नेश्यामो कृत निर्वेश यत्र दंडेन शुद्धति। हमारा अजामिल के साथ कोई वैर नहीं है। यमराज के दूत क्या कहते हैं, यमराज का और हमारा अजामिल के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये अजामिल अशुद्ध हो चुका है। कपड़े जब अशुद्ध हो जाते हैं ना, इसमें जब मैल लग जाते हैं ना, तो वॉशिंग मशीन से या धोखा लेकर इसको बहुत पीटा जाता है,
जब तक इसको पत्थर पर पीटो नहीं, रगड़ो नहीं, वॉशिंग मशीन में इसे जब तक बहुत ये नहीं करोगे तब तक ये कपड़े शुद्ध नहीं होते। ठीक उसी प्रकार संसार की माया से मलिन जीव जब तक यमराज के दरबार में पीटे नहीं जाएंगे तब तक शुद्ध नहीं होगे। महाराज हम इसको शुद्ध करने के लिए लेकर जा रहे हैं, हमारा कोई वैर नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम इसे शुद्ध करने के, और जब हम इसको शुद्ध करने ले जा रहे हैं तो आप लोग हमको क्यों रोक रहे हैं। ये सारी कथा सुनाई, कथा का इस कथा का सार मुझे इतना ही कहना है कि अजामिल जैसा पवित्र ब्राह्मण, अजामिल जैसा एक 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 साधु, एक सुसंस्कृत, सारे वेद मंत्र को जानने वाला, रात दिन कथा सुनने वाला, जब एक दृश्य, एक बुरा दृश्य देखकर दुनिया का सबसे बड़ा पापी हो सकता है, तो हम और आप तो रोज ऐसे दृश्य देख रहे हैं, हम और आप रोज ऐसे दृश्य देख रहे हैं, हमारे जीवन का क्या भरोसा। आपने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया होगा, मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया होगा, आपके मन का इंश्योरेंस कहाँ है? मन का क्या भरोसा, ये कब बदल जाए, कब पलट जाए। और ऐसे देशों में तो पाप करने में कोई देरी नहीं, इसलिए हम भी अजामिल जैसे सुसंस्कृत परिवार से हैं, हमारा घराना क्या है, हमारा कुल क्या है, किस पवित्र परिवार से हमारा जन्म हुआ है, और यदि हम ऐसे दृश्य देखते रहें, हमारे बच्चों को ऐसे दृश्य दिखाते रहें, तो उनका पतन कभी भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहली बात, हमें ऐसे बुरे दृश्यों से बचना चाहिए। हमें पूरा प्रयास करें कि ऐसे बुरे दृश्य हमारी आंखों के सामने कम आए। देखिए मजबूरी है, कलयुग है, कलयुग में कहीं भी जाएंगे ऐसे दृश्य मिलेंगे, यहां थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन आंखों को दृश्य से बचा लेना चाहिए। जब ऐसा कोई दृश्य आए तो आंखें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आंखों से देखा हुआ दृश्य मन में गहरी छाप बना लेता है, फिर आज नहीं तो कल वो काम वासना के रूप में भभक जाता है। इसलिए आंखों से ऐसे बुरे दृश्य कम देखें और अच्छे दृश्य ज्यादा देखें। भगवान का दर्शन, भक्तों का दर्शन, भगवान की लीला का दर्शन, जब ये प्रमाण बढ़ जाएगा तो वो सारे दब जाएंगे। अजामिल के जीवन में ये दृश्य और कुछ नहीं था, केवल एक बुरा दृश्य अजामिल के जीवन को पलट दिया। हम, हमारे बच्चे न जाने कितने ऐसे बुरे दृश्य देखते हैं, हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य इनसिक्योर है, कभी भी बदल सकता है, इसलिए इन दृश्यों से बचना और बचाना चाहिए। जब इस प्रकार से अजामिल की चर्चा कर दी तो यमराज के, भगवान विष्णु के दूत ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अजामिल ने पाप किया सब कुछ, लेकिन ये मरते समय तो भगवान का नाम लिया ना, मरते समय नारायण का नाम लिया। बोले महाराज ये नारायण का नाम नहीं, अपने बच्चे का नाम लिया है, ये अपने बेटे का नाम, उसके बेटे का नाम नारायण है, अपने बेटे को पुकारा, आपके भगवान को नहीं पुकारा ये। विष्णु दूतों ने कहा मुझे पहले ये बताओ, हमको ये बताओ कि हमारे भगवान का नाम पहले नारायण पड़ा कि इसके बच्चे का नाम नारायण पहले पड़ा। ऑब्वियसली महाराज आपके भगवान का नाम ही नारायण पहले हुआ ना, इसके बेटे का तो बाद में हुआ। तो बस यही बात है कि इस दुनिया में कोई किसी भी बहाने नारायण, कृष्ण, विष्णु, राम, भगवान का नाम लेता है, किसी भी बहाने, अपने बेटे के बहाने, बेटी के बहाने, तो भगवान को यही लगता है कि ये मुझे पुकार रहा है, ये मुझे पुकार रहा है। इसलिए अजामिल ने हमारे प्रभु का नाम लिया है और हमारे भगवान का नाम चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सोते हुए, किसी भी अवस्था में, स्त्रियों का जो धर्म होता है महीने में 3-4 दिन, उस अवस्था में भी यदि कोई हरि नाम ले, हरि कथा सुने, तो भगवान यही सोचते हैं कि ये हमारा नाम ले रहा है और हमारी भक्ति कर रहा है, हमसे प्रेम कर रहा है, और फिर वह भगवान का भागी हो जाता है।
इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने हरि नाम की महिमा बताई, भक्ति की महिमा बताई। किस उद्देश्य से भी भगवान का कोई नाम ले वो भगवान का हो जाता है। और भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया। अजामिल ने देखा यमदूत जो आधा बाहर निकाल चुके थे, भगवान के पार्षदों ने चलो अंदर फिट करो, फिर से अंदर फिट करो, ये तो मर चुका था, आत्मा निकल गई थी, फिट करो, अंदर फिट करो, उसको अंदर फिट कर दिया, स्क्रू टाइट कर दिए और यमदूत चले गए। अब अजामिल थैंक यू वेरी मच ये सब करना चाहता था, तो कुछ बोलने जाए उसके पहले तो भगवान के पार्षद भी चले गए, कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन अजामिल ने देख लिया, सारी फिलोसॉफी समझ ली। और फिर अजामिल अपने घर पर नहीं रुका, सीधे हरिद्वार। सेकेंड चांस मिला ना, वो तो नरक में जा ही रहा था, अजामिल को सेकेंड चांस मिला। आप भी अपने जीवन में समझो कि ये सेकेंड चांस मिला है। और सेकेंड चांस में उन्होंने क्या किया, घर पर नहीं रहा, सीधे हरिद्वार गया। और हरिद्वार में जाकर 13 साल तक निरंतर भगवान के नाम का जाप किया। हरे कृष्णा हरे 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 राम। अजामिल अपने जीवन में सेकेंड चांस लेकर क्या किया, 13 साल तक भगवान के नाम का जाप किया। उनका मन भगवान में लग गया। उनकी मृत्यु हुई क्योंकि अब मन भगवान में लगा था, इसलिए भगवान के 4 पार्षद आए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हेमम विमान आरूढ़, सोने के विमान पर सवार होकर हुआ जामिल, जो एक दिन यमदूत आए थे, नरक में जाने वाला था, लेकिन हरि का नाम लेकर उस सेकेंड चांस में भगवान की भक्ति करके भगवान का नाम लेकर भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो गया। मुझे आप सभी भक्तों से बस इतना ही कहना है कि हमें भी मनुष्य जीवन मिला है, इस्कॉन जैसी संस्था मिली है, साधु संतों की संगति मिली है, इसे अपना सेकेंड चांस समझ लीजिएगा। और सेकेंड चांस समझकर भजन कीजिएगा और भगवान के धाम को प्राप्त कर लीजिएगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको खूब सुखी रखें, आपको समृद्ध रखें, भगवान आपकी सारी इच्छा पूर्ण करें और साथ ही साथ आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना के साथ थाईलैंड फुकेट में भागवत कथा का विराम करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारती रस रस निदान की, लीलारती रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मतनी त्रिताप निवारिणे, कलिमल मतनी त्रिताप निवारिणे, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे, जन्म मृत्यु भया
सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सकल सकल सुख कारिणी सुमहो शि हरि चरित गान की सुमहो शि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद निताय गोरांगो 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 गौर हरि निताय गोरांगो गौर हरि निताय जय सचिनंदन 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 गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि